यानि कि कौशिक, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी पर। दोस्तों, मैंने कल आपको जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। अभी मैं आपको जर्नल एंट्री विद जीएसटी का एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। मैं आपको स्पेशली जिसमें जीएसटी फिट होगा, परचेज एंड सेल के साथ, परचेज के साथ इनपुट जीएसटी और सेल के साथ आउटपुट जीएसटी जो फिट होंगे, मैं उसी एंट्री को करूंगी। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगी आपको बोर्ड पे। अभी क्या है कि मैं उसमें से जो आपको आती है, मैंने जो फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपल वाली एंट्री सिखाई है, जो आपके नॉर्मल जो बेसिक रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री के, उसके बेस पे हो जाते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स के साथ कैसे जीएसटी को पुट करेंगे वो वाली एंट्रीज शो करके दिखाऊंगी। बाकी जो सिंपल एंट्रीज है वो आप खुद बना लेना, क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो हो सकता है आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी ना पड़े वो सिंपल एंट्रीज, क्योंकि वो तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, तो आप उसको बहुत अच्छे से और इजी वे में कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको कर ही लेंगे। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विद जीएसटी वाला, और उसमें से वो भी स्पेशली पार्ट जो जीएसटी का है वही वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एंड फिर हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख ही लिया होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश ऑफ दाली फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज्ड देम। इनको जर्नलाइज करना है हमें, तो हम बताते हैं आपको। अप्रैल 1st में रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉट कैपिटल इन कैश। तो दोस्तों, ये सिंपल एंट्री है, तो ये हम नहीं बताएंगे, हम ओरल बता देते हैं। आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट्स बना लीजिए। तो हम बता देते कि रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है भाई, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने की कौन सी एंट्री बनानी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका पेड इनटू बैंक। भाई साहब, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो पेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब भी बैंक में पैसा जाता है तो बैंक को कर देते हैं डेबिट। क्या गया बैंक में? कैश, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अब अगर बैंक में से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं? बैंक को कर देते क्रेडिट। क्यों करते हैं भाई क्रेडिट? जब बैंक में पैसा जा रहा था तो डेबिट कर रहे थे, अभी निकाल रहे हैं तो जस्ट अपोजिट। दो ही तो काम होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बोट गुड्स फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एंड जीएसटी एट द रेट 9% ईच। ये है हमारे काम की चीज, ठीक है। चलो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। बोट गुड यानी कि परचेज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और दोस्तों, मैंने आपको बताई थी जहां भी जीएसटी की बात आएगी तो परचेज के साथ इनपुट जीएसटी होगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती तो आप लोगों को नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने आपके लिए एक पार्ट ऑलरेडी बता दिया था जीएसटी के लिए। चलिए यहाँ पे मैं इनपुट जीएसटी लिख देती हूँ। इनपुट जीएसटी अकाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट। ये तीनों चीज हो गई डेबिट। नेक्स्ट, इसने माल खरीदा है तो कैश तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई? माल खरीद रहे हो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो करा था, कितने का है हमारा माल? हमारा माल है ये 5000 का। कितने का माल है? 5000 का। और उस पर कितना जीएसटी बोला है इसने? 9% ईच। ईच आ गया है, तो इसका मतलब सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी दोनों पे अलग अलग से 9% लगेगा। अगर ये ईच नहीं बोलता तो अलग अलग नहीं लगता, ठीक है। तो कितने का माल है हमारा? 5000 का। अब 5000 का माल है, 9% कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि 450 आ गया इसका जीएसटी। 5000 का फिर से 9% निकालेंगे तो इतना आ गया, और वैसे टोटल हमारा 5000 का माल था। अगर हम कोई माल 5000 वाला खरीदते हैं तो वो जो माल हमने 5000 में खरीदा ना, तो हमें 450 तो देने पड़े इनपुट सीजीएसटी के, और 450 रुपए देने पड़े एसजीएसटी के, तो दोनों के मिलाकर हमें कितने रुपए फालतू देने पड़े? 900 रुपए फालतू देने पड़े। तो ये जो टोटल माल था हमारा 5000 का, वो पूरा का पूरा बैठा है 5900 का, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका। जो नेक्स्ट यहाँ पे बोला उसने, विड्रो कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपको पता ही है कि अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आती है सोल्ड गुड फॉर कृष्णा फॉर 1500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये है हमारे काम की चीज, तो हमने गुड सोल्ड कराया वो भी किसको? कृष्णा को कराया, ठीक है। तो इसकी एंट्री बना दीजिए। अब सेल की एंट्री बना दीजिए। अब आप एक बात बताइए,
अगर आता ओनली गुड सोल्ड तो यानी कि नगद माल बिका है, अगर नगद माल बिका होता है तो जो पर्सन है उसका नाम नहीं लिखते हैं, बट इसके अंदर लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू कृष्ण यानी कि उधार माल बिका है, तो इसलिए डेबिट में माल को लेने वाला कौन है, कृष्णा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कृष्णा, कृष्णास अकाउंट डेबिट क्या बिका है, माल टू सेल्स अकाउंट। और मैंने आपको बताया था अगर परचेजिंग हुई है तो इनपुट जीएसटी होती है और अगर सेल हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। टोटल माल कितने का था, टोटल माल था आपका 1500 रुपए का और उसपे भी 9% ईच लग रहा है, कितने का था 1500 रुपए का, तो पहले हम सेल की अमाउंट लिख लेते हैं कितनी है 1500 रुपए और 1500 का 9% निकालो दोस्तों फटाफट से, 00 कैंसिल, 135 आ जाता है इसका, कितना आ जाता है 135, ये निकली सीजीएसटी और 135 निकली एसजीएसटी। अब हम जब सेल कर रहे हैं तो 1500 के माल की जगह हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको, 1770 टोटल देने पड़ रहे हैं, कितने देने पड़ रहे हैं उसको कृष्णा को, कितने रुपए देने हैं टोटल 1700, कृष्णा को कितने देने हैं 1770 रुपए देने हैं टोटल, 1500 का माल था, 135 सीजीएसटी लग गई, 135 एसजीएसटी लग गई, तो दोनों का कुल मिला करके कितना हो गया, तीनों को मिला करके हो गया 1770 रुपए। तो ये था आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट वाला, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको बोला है बोट गुड्स फ्रॉम श्याम 3000 प्लस जीएसटी, दोस्तों जैसे हमने ये थर्ड एंट्री बनाई थी ना बोट गुड्स फ्रॉम 5000 सेम है जैसे बनेगी, बस पहले जो हमने खरीदा था 5000 का माल खरीदा था, अभी हमने 3000 का खरीदा है, तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे 3000 का 9% निकाल के यहाँ लिख देंगे और उन सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो ये सेम हो गई आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा, आप कैश रिसीव हो रहा है कृष्णा से, तो अगर कृष्णा देने वाला है तो कृष्णा को कर दो क्रेडिट, तो क्योंकि देने वाला व्यक्ति क्या होता है क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा हो गया इसका। फिर आपका आ गया सोल्ड गुड फॉर राकेश 10000, जैसे हमने ये करा ना कृष्णा वाला सोल्ड करा तो मैंने सोल्ड की अमाउंट यहाँ लिख दी और यहाँ पे सोल्ड की अमाउंट है 10000, यहाँ 1500 थी तो हम 10000 लिख देंगे, उसके 99% निकाल के यहाँ और उन टोटल को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, सेम टू सेम यही वाली एंट्री बन जाएंगी। कैश पेड टू श्याम डिस्काउंट अलाउड बाय, डिस्काउंट वाली एंट्री मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करके दिखा दी थी, बाय द वे अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं दोबारा से समझा दूंगी। नेक्स्ट कैश सेल फॉर द मंथ ऑफ 8000, दोस्तों कैश सेल हुई है वापिस से यही वाला, क्योंकि इस बार नगद बिक्री हुई है तो किसी कस्टमर का नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन हुई तो सेल है ना, और सेल के साथ हमारी क्या होती है आउटपुट जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने हैं रुपए 8000, कितने हैं 8000 सेल हुई, उस 8000 का 9% ईच निकाल दो आप इस, क्योंकि इसमें भी 9% ईच है, तो 8000 का 9% निकाल दो कितना हो जाएगा 720, कितना जाएगा दोस्तों 720 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सेम है जैसे ही हो जाएगा 720 और 720 और 720 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9440, कितना हो जाएगा 9440, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेल वाला आ गया, हमने ऐसे ही बना दिया। नेक्स्ट आता है पेड रेंट 500, अब आपका रेंट पेड हो रहा है 500 पेड हो रहा है, इसको करने की जरूरत है, अगर आपका रेंट पेड हो रहा है एक चीज याद रखो, जब हम परचेज कर रहे थे तो हमारे पास से क्या जा रहा था कैश जा रहा था, तो जब हम रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है कैश जा रहा है, तो दोनों कैटेगरी सेम हो गई। अगर हम परचेज करने पर इनपुट जीएसटी लगाते हैं क्योंकि हमारे पास से कैश जाता है, तो रेंट पेड करने पर भी हम इनपुट जीएसटी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इस वजह से यहां पर लगेगी इनपुट जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी, अकाउंट ये डेबिट एंड कैश अकाउंट, इस तरीके से होगा,
और अमाउंट वैसे ही डलेंगी सेम, जैसे 500 रुपए है ना, मैं बुक को साइड में रख देती हूँ, जैसे 500 रुपए उसका 9% कितना आ जाएगा आपका 45 रुपीज। 500 में 45 कितना हो गया 590। इस तरीके से आपके अमाउंट डल जाएगी। तो परचेज पे इनपुट जीएसटी कैसे लगती है, सेल पे आउटपुट जीएसटी कैसे लगती है, आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। ये क्वेश्चन जो इसमें सिंपल था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जो नया था इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसी बेस्ड के 5-6 क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम में फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। क्या फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।